मैं सुरेश ठाकुर फंड और एनसीओ सुरेश डिजिटल सेवा डॉट कॉम। मैं झुक नहीं सकता, मैं सूर्य का अखंड भाग हूँ। जला दे जो अधर्म की रूह को, मैं वही श्री राम का दास हूँ। आज का समाचार पत्र है दैनिक जागरण। आज के समाचार पत्र में पूरा अयोध्या की जानकारी दिया गया है। जिस पेज में देखिएगा हर जगह अयोध्या की जानकारी दिया गया है। तो चलिए जय श्री राम करते हैं। मोदी की अगुवाई में एक और इतिहास रचने की तहलीज पर भाजपा अयोध्या के बारे में कह रहे हैं। जय जय राम लता श्री राम, झिलमिलाते दीप राम लता की आराधना को आतुर पीले रंग में रंग मकान दे रहे हैं। शुभ कार्य का संदेश हर घर पर लहरा रही है भगवा रंग की पताका। मेरे लिए ऐतिहासिक है यह दिन आडवाणी। 492 वर्ष, 76 युद्ध, 400,000 भक्तों की बलिदान, 25 पीढ़ियों की प्रतीक्षा आज होगी पूरी। विलक्षण घड़ी, प्रधानमंत्री करेंगे भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन। भक्ति उल्लास में डूबे अयोध्या, संतों मुनियों से भाव विराम। ट्रस्ट की ओर से किया गया 175 लोगों की आमंत्रित। सुशांत मामले में बिहार सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। यदि सब नेता सीबीआई जांच की सिफारिश करने लगे तो जितना एक्टर हीरो हीरोइन मरे सबका सीबीआई जांच होगा, तो सीबीआई दूसरे जांच क्या करेगा। आईपीएल और बीबी के रास्ते इस साल अलग हो जाएंगे। हरियाणा के प्रदीप बने सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर। 2019 का सिविल टॉपर का रिजल्ट आ चुका है जिसमें हरियाणा का प्रदीप सिंह टॉपर हुआ है। वो किसान का मध्यम वर्ग के परिवार से गुजरते हैं। पिछले साल भी वो 261 के आसपास आया था, परंतु इस बार वह नंबर 1 पर आ गए हैं। गहलोत सरकार ने बागी विधायकों से वापस लिया राजद्रोह का केस। आजकल कोरोना के प्रकारों में होता है मामूली अंतर। 30,000 वर्ष पुरानी हो सकती है सरस्वती की जलधारा। सनराइज और मुठभेड़ में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में जीते पुरस्कार। नर्वस सिस्टम की खामी से बढ़ सकता है कोविड-19 का खतरा। दर्शकों को हमें बनाते या गिराते हैं करीना कपूर। कल्पना चावला की भूमिका निभाएंगे वानी। प्यार करने वाले भरोसेमंद होना चाहिए निर्या शर्मा। इस दौर में लोगों की जरूरतों सीमित हो गई। मधुकर भंडाकर मेरा साला है जो बहुत बदमाश करता है और मेरा तबीयत भी खराब है, मैं क्या करूं, इसलिए 10 दिनों से अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। कभी कोशिश करता हूं कम से कम हाजिरी भी बन जाए, उसके बाद फिर देखेंगे। बहुत तबीयत खराब है मेरा। दिल्ली में 10,000 से कम हुए सक्रिय मरीज। 15 अगस्त के बाद मिल सकती है मेट्रोपोलिटन परिचालन की आज़ादी। टैक्स न देने वाले कंपनियों पर दिल्ली सरकार ने कसी नकेल। स्मॉग टावर परियोजना पर जल्द काम शुरू करेगा केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली दंगा मामले उद्योग के प्रोफेसर अपूर्वानंद से पूछताछ। आरपीआई नेता से चलाए सार कर दियो नेता चलवाई थी गार्ड पर गोलियां। विदेशी जमातियों की याचिका पर केंद्र और पुलिस को नोटिस। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से आया 98% परिणाम। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रमाण पत्र में देरी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय पर जताई नाराजगी। डिजिटल प्रमाण पत्र वही मिलता है जो आप डिजिटल लॉकर को जानते हैं ना, उसमें रोल नंबर रोल कोड डालने पर वो डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। वो साली जो है ना मेरे साले को ले गए उधर। भारत चीन सेना से लंबे टकराव को कसी कमर। सेना में महिलाओं को अस्थाई कमीशन की प्रक्रिया शुरू। हम अभी वीडियो बना रहे हैं ना तो सब देख रहा है, मेरा तो सर्दी भी बहुत हो चुका है। हर बच्चे के लिए प्री प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी। नई शिक्षा नीति 2020 आया ना, उसी में ये दिया गया। आंगनबाड़ी और आम सर्मशालाओं के जरिए
करी जाएगी वह पढ़ाए। सभी आंगनबाड़ी को सशक्त बनाने के भी प्रस्ताव होगा खुद का। देखो छोटी साली जो है वो तो मेरा साली से भी बदमाश है, हम कह रहे हैं तू है, इसको पटक देंगे आप पानी में। देखो ना हमको मार रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुजुर्ग को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए। अपनी टिप्पणी पर प्रशांत भूषण ने जताई खेद। कोर्ट का रुख बाकी जवानों को सोशल मीडिया के उपयोग और खतरों के बारे में बताए सीआरपी। सोशल मीडिया जितना अच्छा है वो उतना ख़राब भी है। अब यदि सही प्रयोग के लिए प्रयोग करेंगे सही परिणाम होगा, गलत की गलत। जिस प्रकार बंदूक आपको सुरक्षा के लिए दिया गया है मगर गाँव घर में छोटी भी झड़प होते हैं उसमें बंदूक निकाल कर गोली दाग देते हैं। चाकू भी है घर में जो रहता है वो सब्जी काटने के लिए रहता है मगर घर में जो कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम या आस पड़ोस समाज में कुछ होता है तो उसको भोग देते हैं जाके। इसलिए जो भी मिलता है सोशल मीडिया उसी प्रकार है, यदि सही प्रयोग करेंगे तो सही परिणाम। आजकल सोशल मीडिया में लड़का लड़की को खोजता रहता है, लड़की लड़का को खोजता रहता है, मगर सब नहीं, 100 में 95% सिर्फ 5% सही है। मैं हर समय 5% बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ, अपना व्यक्त करता हूँ भावना। मेरा 3 साली है, सबको सिखाता रहता हूँ। सो आप 5% में जाइए। बाकी नहीं करतूत जूनागढ़ को भी अपने नक्शे में दिखाएं। दीपो से जगमाया उठा रामनगरी की झांस। मैं ऐसा ऐसा बात इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि सर्दी है, हम बोल नहीं पाएंगे 10 मिनट, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें फनी करके भी हम थोड़ा बोल 10 मिनट पूरा सकते हैं। मेरा शादी छोटी बुट्टू काट रहे हो ना, ऐसे नौ से काट देता है। 5 सदी के संताप से मुक्ति की सुबह आज और आने वाले समय में मैं एक फनी चैनल भी बनाऊंगी, इसमें गाली गलौज सब कुछ रहेगा। कड़ी सुरक्षा में निकला पीएम का काफिला। हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर कर रही है रामलती मानस। मेरा एक साली का बहन जो है वो कह रहा है वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, वो समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा ऑडियंस जानते हैं उनका तबीयत खराब हो कर है। मेरा साली का जो बड़े बहन है ना बड़े कह रहे वीडियो अपलोड करने ही नहीं देंगे। मैं नहीं क्या जा मेरा छोटे साली बोले सुरेश जी, मेरा नाम है सुरेश ठाकुर, फाउंडर इंस्टीट्यूट सुरेश डिजिटल सेवा .com। पीएम मोदी का अगुवाई में एक और इतिहास रचनी की पर भाजपा। कांग्रेस की राम माए प्रियंका ने राम मंदिर को बताया एकता का प्रयास। आप ही के प्रयास से आप लोग ने ही बोले हैं, सो आप न्यूज़ को एक्सप्लेन कीजिए। आने वाले समय में मुख्य मुख्य समाचार का एक्सप्लेन जरूर करूँगा, सभी तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि भर दिन लग जाएगा, इसमें 24 घंटा लग जाएगा। हमको 10 मिनट से 12 मिनट का अंतर एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए हम मुख्य खबरों का एक्सप्लेन करेंगे। भूमि पूजन के राजनीतिक नफा नुकसान में उलझ गई मध्य प्रदेश कांग्रेस। साले जी फिर आ गए हैं कहीं से, सुनिए कहाँ गए थे। रामराज लाने के जिम्मा एक और पर नहीं थोपा जा सकता, तो बड़ी साली जो है ना छोटी साली को मारते हैं। रामराज लाने का जिम्मा वो भी जो जिनका आवाज सुने ना मेरे साली का बड़े बहन है, नहीं थोपा जा सकता चिराग। भूमि पूजन पर अमेरिका होगा राम मट्टा। राष्ट्रीय स्वाभिमान का दिन भारतीय पुनर्स्थापना का शुभारंभ। राम नाम की महिमा का अनंत विस्तार। मैं राम भगवान पर एक लाइन सुना रहा हूँ। सनातन की संस्कृति विराट चेतना का प्रकाश। टेंथ के साय बीता एक वर्ष, देश में सक्रिय मामले में 2 गुना से अधिक ज्यादा मरीज हुए थे। ठीक इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि सब अब सतर्क होते जा रहे हैं। घर में भी रहते हैं तो मास्क पहन के रहते हैं। मेरे साली जो है 3 और सोते भी हैं तो मास्क लगा के सो जाते हैं। आप भी समझ जाइए जब सोने पर भी वो मास्क लगाते हैं तो कहीं जाते होंगे तो क्या करते होंगे।
इसलिए क्यों होगा कोरोना? उनको देखकर जहां मैं रहता हूं उसके आसपास सभी बच्चे बुजुर्ग महिला सब देखकर उनका एक्सेप्ट करते ताकि ऐसा भी करने की कोशिश। मैं जानता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा मगर क्या करें, मैं तो मजबूर हूं। आने वाले समय में अच्छे से आपको वीडियो बताऊंगा और प्रमुख सब खबरों का मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगा। जय हिंद, जय श्री राम।